यूपी के पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान पर फेंकी गई स्याही पर सपा प्रवक्ता अरुण राजभर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी अपने घोसी विधानसभा में जनता का विश्वास नहीं जीत पा रही है, तो हमारे प्रत्याशी आदरणीय दारा सिंह चौहान पर काली स्याही फेंकने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी अपने घोसी विधानसभा में जनता का विश्वास नहीं जीत पा रही है, तो हमारे प्रत्याशी आदरणीय दारा सिंह चौहान जी पर स्याही फेंकने का काम कर रही है। उनके कार्यकर्ता जिस तरह अराजकता उनके चेहरे पर रहा है, वो अपने काली करतूत को छुपा नहीं पा रहे हैं, तो हमारे प्रत्याशी ऊपर काली स्याही फेंक करके यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि हमारे पास जनता का समर्थन नहीं है, हमें जनता का विश्वास हासिल नहीं हो पा रहा है। और वो जब से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए के साथ खड़ी हुई है, तब से उनको यह पता चल गया है कि अब घोसी की जनता या उत्तर प्रदेश में जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का काम है, माननीय मोदी जी का जो काम है, और उस काम के आधार पर विश्वास जनता का दारा सिंह चौहान जी के साथ है। इसलिए अब जनता का समर्थन बड़े पैमाने पर दारा सिंह चौहान जी को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के पक्ष में चुनाव नहीं हो रहा है, इसलिए वो अराजकता गुंडागर्दी का प्रमाण अपना उजागर करते रहे। आने वाले जो चुनाव होने जा रहा है 5 तारीख को जब मतदान होगा, तो इतना कमल का बटन दबेगा कि समाजवादी पार्टी की जो गुंडागर्दी है अब उसको जनता नकार करके यहां साबित करेगी कि विकास की यात्रा चलेगी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी या माननीय विकास राजभर जी के साथ घोसी की जनता खड़ी होगी।